दी अड़ियल दिल सोए ना, सूखी आंखों से रोए ना, दिल रोए ना। बाटी हुई रातों से कुछ अधूरी बातों से, प्यास नहीं मरती है। बेटा वो अमरीका में भला बड़ा है, लेकिन वो देसी लड़का है। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो देसी नहीं हो सकता। वो अमरीका में पला बड़ा है। पता नहीं बेटा, पता नहीं किस एंगल से सोचता है। अरे भाई, अरे भाई, काम से ले, काम से लड़का है। बर्गर नहीं है वो, बर्गर है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझसे फीलिंग्स शेयर ना करने को क्या समझो? मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही। नहीं, ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? बस कुछ अंदाजे गलत होने पे रो रही हूँ। कैसे अंदाजे? आपकी अच्छी होने पे रोना आ गया, आपको बुरा समझने पे रोना आ गया, हमारी मम्मी पे खुश होने के बजाय असुरदा होने पे रोना आ गया, अब्बा से झगड़ने पे रोना आ गया, बख्तियार अंकल की नियत पे शक करने पे रोना आ गया। अगर वो दोनों आज यहाँ होते, थोड़ी देर के लिए तो मैं उनसे सॉरी कहती, उनका डिसीजन ठीक था, बुलंद में इतनी नाखुश थी, और मैंने उनसे कहा तो कभी नहीं, लेकिन मेरे चेहरे पे साफ साफ लिखा था कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, और वो दोनों बेचारे उधर मेरे चेहरे पे खुशियां तलाश करते करते इस दुनिया से चले गए। अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अपनी जिंदगी का रोग नहीं बनाते। अच्छा, तुम एक बार जी भर के रो लो ताकि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो। हमारे जो भी रिएक्शंस होते हैं वो उस वक्त के माहौल के मुताबिक होते हैं। तुम्हें मेरे बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए था, नाखुशी होना चाहिए था तुम्हें। देखो, अगर तुम्हें ये सब बातें अंकल से शेयर कर ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हादसा बीच में आ गया, तुम खामखा उसके लिए खुद को ब्लेम क्यों कर रही हो? अच्छा प्लीज रो मत, क्योंकि तुम रोती हो तो मुझे लगता है मुझे भी तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम्हारी हंसी पे तुम्हारे साथ हंसना चाहिए, तुम बात करो तो मुझे सुनना चाहिए। और जब तुम इस तरह मेहरियत से मेरी तरफ देख रही हो तो मुझे भी इसी तरह देखते रहना चाहिए। अच्छा,
मुंह ठीक करने के लिए कह रहा हूं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम मुझसे नजरें चुरा लो। मेरा हाथ छोड़े प्लीज। एक नजर उठा के देखो छोड़े। क्या कोई जबरदस्ती है? हाँ है। बुलंद, मेरा हाथ छोड़े वरना मैं आपके कैरेक्टर पे शक करूंगी। अमेरिकन वैसे भी मशकूक होता है। बशर भाई आप यहाँ? तुम्हारे बाप का पुरसा करने आया था, तुम्हारे घर गया तो तुम वहां नहीं थे, यहां आया तो तुम दोनों कहीं और ही थे। मैं तैयबा को देखती हूँ। बशर भाई आप आइए ना, मेरे घर चलते हैं। क्यों? ससुराल में खड़े नहीं हो सकते जी, मतलब तुम्हारे ससुराल। आप प्लीज आइए ना, मेरे घर आइए प्लीज। आइए। अल्लाह का शुक्र आज सब ठीक से हो गया। डैड का एक फर्ज अदा हो गया ठीक से। बशर भाई खड़े खड़े क्या सोच रहा है ना, प्लीज बैठे। नहीं ऐसे ही बस थोड़ा परेशान हो गया था ये बाबू देख, पहली दफा इस तरह घर का काम करते हुए देखा है इसे। I'm sorry, दीपा तुम प्लीज बस कर दो, तुम तो है मेहमान हो यार। मैं रुदाबा की हेल्प करवा रही थी, तुम्हारी नहीं। बशर भाई अपर मिडिल क्लास घरों में लोग एक दूसरे के कितने करीब होते हैं ना, सबको सबकी खबर होती है। हम भी किसी ऐसे घर में शिफ्ट हो जाते हैं ना, इतना अच्छा लगता है अपनी छोटी सी दुनिया को सजाना संवारना। बड़े घरों में तो बस एक दूसरे को ढूंढते ही फिरो। चले चले। बोला तुमने वादा किया है कि तुम घर जरूर आओगे। जी जरूर। चले सुदामा तुम रुको, तुम्हें मैं खुद ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन वो गाड़ी है तो। हाँ लेकिन इसी बहाने मेरी भी ड्राइव हो जाएगी। हाँ एक काम करते हैं, हम सब कॉफी पीने चलते हैं। कॉफी का प्लान अच्छा है, लेकिन मैं और रुदाबा मेरी गाड़ी में आप लोगों को फॉलो कर लेते हैं। एक्चुअली रुदाबा शायद इसलिए जल्दी जाने का कह रही है क्योंकि सुबह परीजे को इसने तैयार करना होता है स्कूल के लिए। सो अच्छा फिर कॉफी का प्लान पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन मैं रुदाबा को ड्रॉप करने जरूर जाऊंगा। आप गाड़ी में बैठो, मैं वॉलेट टेक लेता हूं। चलो बैठो गाड़ी में।
एक बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है, इफ यू डोंट माइंड अगर तैयबा को घर ड्रॉप कर दो, यहाँ से तो पास ही है। कौन सा फ्लेवर? मैंगो। यू? चॉकलेट। और आप बेटा? सीकला भी चॉकलेट। चॉकलेट? मुझे भी चॉकलेट ही पसंद है। Then it's three chocolates and one mango. Really? तुम्हें चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम पसंद है? हाँ, मुझे नॉन फ्रूट फ्लेवर्स पसंद है, कॉफी, कैरमल, फ्रूट फ्लेवर्स, I don't like them. मुझे भी, तो पता है मुझसे मिल्कशेक्स नहीं पिए जाते और ये जितनी भी फ्रूट फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स हो। तुम भी मिल्कशेक्स नहीं पीती? Never. तुम्हें पता है जब मैं अपने डैड को बताता था कि मुझे दोनों चीजें नहीं पसंद, हाँ? तो कहते थे कि तुम दुनिया के बाहर पागल आदमी हो, लेकिन आज पता चला कि मैं अकेला नहीं हूँ, तुम भी साथ दो पागल है। अभिषेक के डैड जिंदा होते तो उन्हें तुमसे मिला था कि मुझे मेरी कंपेनियन मिल गई। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऑर्डर कैंसिल कर लेती हूँ, मैं भी चॉकलेट मंगवा लेती हूँ। हाँ तो चेंज कर देते, अभी ऑर्डर किया तो नहीं ना हमने। नहीं, मगर क्यों, अपनी पसंद पे डटे रहना बहादुरी है। कभी कभी आपको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं बगैर किसी रीजन के, और किसी को पसंदीदगी का रीजन देना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इस टेबल पे सबको मैंगो इतनी बुरी लगती है और चॉकलेट मुझे इतनी बुरी नहीं लगती, तो मैं वही खा लेती हूँ जो आप सबको पसंद है। हाँ, मगर तुम हमारी पसंद की चीज क्यों खाओ, वो हमें पसंद नहीं है मगर तुम्हें तो पसंद है ना। बल्कि आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं मैंगो फ्लेवर ट्राई जरूर करूंगा, क्या पता मजे का। क्यों ट्राई करेंगे, आपको इतनी बुरी लगती है, ऐसे मुंह का जायका खराब करेंगे। तुम्हारा दिल खराब किया है, सजा के तौर पे मुंह का जायका खराब करना तो बनता है। You should try that as well. I don't think so. I think तुम्हें इतनी intensity से बुरी नहीं लगती जिससे मुझे बुरी लगती है। हाँ, मगर इंसान को अपनी intensities tune करनी चाहिए life में, कभी कभी रिश्ते मजबूत हो जाते हैं और कभी कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ रिश्ते इतने कच्चे होते हैं कि कोई भी चीज उन्हें मजबूत नहीं कर सकती। So, mango? Excuse me. लगता है बशर भी गए नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो फरीदे, मैं आ रही हूँ बाबा। बाय बाय। फरीदे, आप जाके चेंज। चलिए, खुदा हाफिज। सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। कब? बार बार जाने जाने में सही, मगर कॉज बना तुम्हारी तासी का। बुलंद, बार बार जाने जाने में आपने मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया। हम अकेले कब बैठ सकते हैं? क्या हर वक्त ये लोग तुम्हारे साथ होंगे? क्यों, इतने अच्छे तो हैं सब लोग। अच्छे तो हैं, मगर तुम सबसे ज्यादा अच्छे हो। मैं बहुत कम वक्त के लिए यहाँ आया, मैं मैक्सिमम टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, अपने लिए तुम्हारे मुंह से बहुत कुछ सुनना भी चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ। और याद भी कब तक आ जाएंगे, मैं चाहता हूँ उनसे शादी की डेट लेकर वापस जाऊँ ताकि हम दोनों अपनी शादी की शॉपिंग करें, फ्यूचर के प्लान्स बनाएं। आदिल भाई का मुझे नहीं पता।
लेकिन आप कब वापस जा रहे हैं? अच्छा, बड़ा इंतजार है मेरे वापस जाने का। आपको ऐसा लगता? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैं उस दिन को याद ही नहीं करना चाहता। पलंग, आप मेरा हाथ छोड़ेंगे प्लीज? इतनी भी मोहब्बत अच्छी नहीं होती। तुमसे किसने कह दिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? तो क्या नहीं है? क्या है ये सब? ये पसंदीदगी। मोहब्बत अभी तुमने मेरी देखी ना? पसंदीदगी? आपकी दो नहीं 20 गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए थी। 20? सीरियसली? एक्सक्यूज मी, मैं एक मशरकी लड़की हूँ और ये पाकिस्तान है, और आइंदा निकाह से पहले आपको मेरा हाथ पकड़ने की बिल्कुल इजाजत। ओह, पाकिस्तानी लड़की, I'm impressed. रुदावा बहुत लकी है। क्यों? बुलंद बहुत चाहता है इसे। बहुत जल्दी चाहत हो जाती है आजकल लोगों को। चाहत पैदा होने का कोई सीजन थोड़ी होता। छोड़ देगा ये भी सलमान की तरह इसे। छोड़ने वाले खुद को चेंज नहीं किया करते। बुलंद ने अपने आप को कम्प्लीटली रुदावा के सांचे में डाल दिया। उसने सलमान की तरह से ये नहीं कहा कि अपनी जिंदगी बदल दो, बल्कि वो तो बिल्कुल वैसा बदल गया जैसा रुदावा चाहती है। बहुत अच्छा है वो। चाहिए तुम्हें? जी? कैसा लगता है? आपकी तो सोच ही निराली है। लव्स पॉसिबल और मेरी सोच दोनों बात मिलते जुलते हैं। बोल, चाहिए? उनका रिश्ता बहुत मजबूत है। आजमा के देखते हैं। I'm impressed. Good night. मामू की जान, क्या हाल है? अभी ठीक है? बशर भाई, वो परीजे के कपड़े कहाँ हैं? मेरे वार्डरोब में। कौन सी वाली? क्या मतलब कौन सी? मेरी जो वार्डरोब है उसी में इसके कपड़े रखे हुए हैं। नहीं, वो फिर सारी वार्डरोब खोलनी पड़ेगी ना। अजीब लगता है किसी की वार्डरोब खोलने पे। मैं किसी हूँ तुम्हारे लिए? जी नहीं, वो मैं लेके आती हूँ। परी आओ, चलो जाओ चेंज करके आओ।
ये तो मुस्कुराता भी है। क्या बात है? कुछ नहीं, वो मैं परीजे का नाइट सूट ढूंढ रही थी। मेरे चेहरे पे? नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? जी वो पजामा कहाँ है इसका? वही तो, वो तो बोलो पजामा ढूंढ रही हूँ। जाओ जाके देखो वार्डरोब में होगा, जाओ जाके देखो। जी ये लो, अब आपने नाइट सूट चेंज कर लिया, अब आपने सीधा बेड पे जाना है और सो जाना है, ठीक है? मुझे स्टोरी कौन सुनाएगा? इतनी रात में आपको स्टोरी सुनाऊं? और परी ने उस चंगेज खान मामू से को ना आपको स्टोरी सुनाए? सुनाते हैं, पर बोरिंग है। बोरिंग इसलिए क्योंकि वो खुद बोरिंग है। वैसे आप यहाँ पे क्यों आई हो? मेरे साथ रहती। देखो मुझे उस कमरे में इतना डर लगता है अकेले, और इधर जब मैं आती हूँ ना तो मुझे आपके मामू से बहुत डर लगता है। मेरे मामू बहुत अच्छे, वो बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? आपसे प्यार करते हैं ना, मुझसे तो नहीं, मेरे साथ तुम ही ना वो। अच्छा सुनो, अब आपने काम करने, ठीक है? आप जैसे ही वहां जाओगी ना तो आपने शोर मचाने और जिद करनी है, और आपने कहने कि मामू मुझे फुफ्फो के साथ शिफ्ट करना है, मैंने उनके रूम में रहना है, मुझे यहाँ मजा नहीं आता, मुझे यहाँ डर लगता है, ये कमरा अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। इस तरह बोला आपने, ठीक है? कहोगी ना? इसी तरह कहोगी ना? मिला बच्चा किची दो। गुड गर्ल। अच्छा कहना है, अरे आइए आइए, अच्छे टाइम पे आ गए, चले सोइए आगे, चले। मामू जैसे साथ नहीं रहना वगैरह वगैरह। क्या कहा आपने? मामू जैसे साथ नहीं रहना वगैरह वगैरह। क्या बोल रही है बेटा? मामू जैसे साथ नहीं रहना वगैरह वगैरह। परी आपने तो कहा था ये बोलना है। क्या कहते हैं इन्होंने, क्या कहना है? वगैरह 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 वगैरह। आ मेरा क्यूट बच्चा है, इधर आ। अल्लाह की मसलियतें अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर क्या ही अच्छा होता कि आप दोनों के चेहरे की मुस्कुराहटें दोनों साहब भी देख लेते। मैं भी सोचता हूं, काश पिछले महीने ही आ जाता तो सब कुछ कितना मुख्तलिफ होता। अल्लाह की अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर बेटी को मैंने जिस अंदाज से पाला है ना, बिल्कुल इस तरह जैसे मेरी अपनी बच्ची है। बेटी वाला होने के नाते पूछना तो नहीं चाहिए, मगर फिर भी शादी का कब तक का इरादा है? आदिल भाई के आते ही उनसे कह दूंगा कि जो तारीख वो तय करेंगे मैं आ जाऊंगा, फिर हम दोनों बारात लेकर जाएंगे आपकी बिटिया के घर। अल्लाह वो दिन लेके आए, मगर इस बात पे बिटिया जो ना वो हंगामा खड़ा कर देगी, बहुत ज्यादा लड़ेगी मेरे साथ इस बात पे कि आप बेटे वाले कब से हो गए। वो हंगामा खड़ा कर सकती है? हाँ क्यों नहीं, वही उसमें एक बड़ी मजे की आदत है, वो अगर किसी को एक दफा अपना समझ लेना तो फिर उससे दस्तबरदार नहीं होती। लो इस बात पे एक वाकई सुन लो, एक दफा ना मैं साहब से नाराज हो के ना ये घर छोड़ के चला गया, और ये अपने गली में नहीं है पराचा साहब, इनके यहाँ मैंने नौकरी कर ली। शुरू शुरू में तो उसने समझा कि शायद मैं कहीं बहुत दूर निकल गया हूँ। बस एक दिन क्या हुआ, सौदा लेने जा रहा था, वहां रास्ते में मुझे देख लिया और देखते ही चीखना रोना चिल्लाना शुरू कर दिया।
और तब क्या था, मेरा बाजू पकड़ा और घर की तरफ घसीटने लगी। मैंने 100 दफा कहा भाई ठहर जाओ, मुझे कम से कम प्राचा साहब को बता तो लेने दो। कहीं नहीं, मुझे घर छोड़ा, वापस गई और प्राचा साहब को मेरी तरफ से ना बोल के आई। लेकिन इस बार आपने अपनी बिटिया की वजह से मुझे अकेला नहीं छोड़ना। अल्लाह वो वक्त लेके आए, अल्लाह खैर करे, मगर शादी के बाद ना बिटिया की नाराजगी से मुझे आपने बचाना है। मैं इन ननों को पता चले कि बिटिया मेरे से नाराज नाराजी चली गई है। आपको हम साथ ले जाएंगे, मुझे एक बंदा साथ लेकर जाने की इजाजत है। आपका पासपोर्ट है ना? हाँ है, मैंने हज किया हुआ है। मगर अमेरिका का वीजा मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा, मुझे एक पर्सनल सर्वेंट साथ लेकर जाने की इजाजत है। तो आपकी तनख्वाह भी पाकिस्तानी लाख से वाला हो जाएगी। बेटा मैंने क्या करना, मैं तो दोनों घरों से बस चंद हजार रुपए लेता हूँ। जानता हूँ, लेकिन आपकी तनख्वाह वर्ल्ड बैंक देगा, मैं नहीं। पासपोर्ट दे दीजिएगा याद से। ठीक है ठीक है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं। अच्छा चले ठीक है। चाचा अगर उसे आपका लड़के वाला बनना इतना बुरा लगेगा कि वो रोएगी चलाएगी तो आप लड़की वाले बन जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं दोनों घरों का बन जाऊंगा और दोनों घरों का बनने में मजे बड़े आएंगे कि भाई एक घर में जाओ वो भी अपना, दूसरे में जाओ वो भी अपना। हेलो, सॉरी इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं करती मैंने? नॉट एट ऑल, बोलो। एक्चुअली रुदाबा कॉल रिसीव नहीं कर रही, प्लीज उससे मेरी बात करा दो। बहुत बेचैनी हो रही है, क्या बात है? सच सच बताओ, तुम लोगों का सिलसिला कहीं पहले से तो नहीं चल रहा? जी नहीं, नहीं नहीं मोहब्बत है, बल्कि वो क्या कहते हैं उर्दू में, अब नौखेज मोहब्बत है। अच्छा मैं बात करवाती हूँ। रुदाबा, रुदाबा, अरे मुझे लगता है वो बशर भाई के कमरे में होगी। इस वक्त बशर भाई के कमरे में? सेलफोन तो उसका यहीं पड़ा है, मैं भी देखती हूँ। Being an obedient daughter, Beauty agreed. As time passed, she saw the qualities of the beast. He was very kind with her. After a few, ये सोई नहीं अभी तक। क्या कर रही हो तुम? इतनी देर से हम उसे सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तुमने आके डिस्टर्ब कर दिया। बुलंद की कॉल आ रही थी रुदाबा के लिए बार बार, इसलिए आई मैं। तुम्हारे सेल पे भी इतनी मिस्ड कॉल्स थी, ये लो बात करो। इधर तो क्या बुलंद, मैं और रुदाबा परिजे को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, काफी लेट हो गया, लेकिन अभी रुदाबा यहाँ मेरे पास ही बैठी हुई है। हाँ सो जाएगी तो फिर वो तुम्हें कर लेगी कॉल, बोल जो भी करना है। मैं भी ये चाह रहा हूँ ताकि हम भी कुछ अपने लिए टाइम निकाल सकें यार। इट्स ओके, मैं वेट करता हूँ। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ये तुम्हारा है? जी। लो। क्या है ये तरीका है यार, बच्ची को सुला रहे हैं तुम आगे। उसके मंगेतर की कॉल थी। अरे मंगेतर मंगेतर, तंग आ गया उस लव से यार। चार दिन हुए हैं उसे मंगेतर हो गया वो। उसका भाई उसको एक ड्यूटी देके गया है। उसको करने दो ये सब कुछ। तुम्हें तो कोई परवाह है नहीं।
हो तुम उसकी खाला लेकिन अपने कामों में मसरूफ होती हो, तो उसको तो कम से कम अपना काम करने दो। रिलैक्स बशीर भाई, क्या हो गया? खेलो अपना सेल। अरे बात सुनो, मैं आपकी पप्पा को नहीं आपकी खाला को डांट रहा था। आप सो रही थी ना, आपको डिस्टर्ब किया उन्होंने आके, है ना? कहानी सुनाओ ताकि सोई है। चलो शाबाश, खत्म करो कहानी, सोने की कोशिश करो। चलो। When Beauty met her father, she forgot the promise she had made to the beast. She stayed with her father while the beast waited for her. One night, she dreamt that the beast was dying. End में क्या होता है? कहानी के end में क्या होता है? Belle beast के लिए रोती है और वो जब उसके लिए रोती है तो वो एक बहुत खूबसूरत इंसान बन जाता है और वो उसे बताता है कि एक फेरी ने उसे कर्ज किया और वो कर्ज तभी उठा जब एक खूबसूरत लड़की उससे सच्चा प्यार करती है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए खुश रहते हैं। असल जिंदगी में ऐसा हो सकता है? नहीं, कहानियों में होता। सुनो, मैं बहुत बुरा लगता हूँ तुम्हें। जी? सादा सा सवाल है, बहुत बुरा लगता हूँ तुम्हें। नहीं बशर भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर मेरी बुराइयां क्यों करती रहती हैं? बशर भाई, वो आपसे डर लगता है तो जब खौफ आता है तो ऐसी उटपटांग बातें बोल देती हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी। यकीन माने, मैं आपसे दिल से नफरत नहीं करती। मैं भी यही चाहता हूँ कि दिल में तुम मुझसे मोहब्बत करो। गुड नाइट बशर भाई। मैडम मैडम, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम बुलंद से मिलने नहीं जाओगे तो क्यों गई थी? मैं आदिल भाई से पूछ के गई थी। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम मेरे घर में। लेकिन वो मेरे भाई हैं। मतलब तुम मुझे अपना भाई नहीं समझती? जी। गुड, आई लाइक इट। नहीं नहीं बशर, नहीं, मैं भी ये चाहता हूँ। अच्छी बात है, ठीक है, जाओ। गुड नाइट, लेके जाओ इसे, सो गई है। अब इट्स ओके, गुड नाइट। सॉरी, मैं परीजे को सुला रही थी। तुम परीजे को अपने कमरे में भी तो सुला सकती हो। हाँ, लेकिन बशर भाई उसे खुद से दूर नहीं होने देते। हाँ तो रात को भी वो खुद उसे संभाले ना। मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तैयबा ये जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाती? वो काफी अपसेट है बेचारी, उसकी मंगनी टूट गई ना, तो वो कोई भी जिम्मेदारी निभाने की पोजिशन में नहीं है अभी। बहरहाल ये सब ठीक नहीं है। तुम परीजे को संभालो मगर अपने कमरे की हद तक। तो क्या करूं? साफ जवाब दे दो, उन्हें मना कर दो। बुलंद, वो मेरे भाइयों जैसे हैं, मेरा इस तरह कहना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और जो मुझे बुरा लग रहा है उसका क्या? बुलंद, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अमेरिका में रह के आए हैं, आपको तो खुले दिमाग से सोचना चाहिए।
अमेरिका में रहा हूं इसलिए जानता हूं कि रात की तारीखी और तन्हाई कितनी खतरनाक होती है।